Dear students, today we shall read chapter 3 of history and our chapter name is the Delhi Sultans, yani Delhi ke Sultan. In chapter 2 we saw that regions like the Kaveri Delta. हमने chapter 2 में पढ़ा था कि जो क्षेत्र जैसे कि कावेरी डेल्टा became the center of large kingdoms, जैसे कि कावेरी डेल्टा जो है वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का केंद्र बन गया था. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi? क्या आपने ये नोटिस किया है कि उस चैप्टर में क्या दिल्ली को एक साम्राज्य के रूप में क्या वर्णन था उसमें एक कैपिटल के रूप में. दैट वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी. तो ऐसा उसमें कोई मेंशन नहीं था. ऐसा इसलिए बिकॉज क्योंकि जो दिल्ली है वो इम्पोर्टेंट सिटी के रूप में 12th सेंचुरी में ही उभर कर आया था. और हमने उस लेसन में 11th सेंचुरी तक की हिस्ट्री को स्टडी किया था. टेक अ लुक एट टेबल वन. एक बार आप टेबल वन को देख लीजिए. द रूल्स ऑफ दिल्ली, रूलर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के शासक. फर्स्ट देयर इज राजपूत डायनेस्टी. देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आती है राजपूत डायनेस्टी. राजपूत डायनेस्टी में फर्स्ट है तोमर, यानी सबसे पहले दिल्ली में जो जिनका किनका शासक था तोमर्स का. उसके बाद अनंगपाल हुए हैं. और जो ये तोमर है ये अर्ली 12th सेंचुरी यानी 1165 के आसपास, जो 12th सेंचुरी के प्रारंभिक में तोमर दिल्ली में शासन करते थे. और उसके बाद अनंगपाल ने शासन किया 1130 से 1145 के बीच. और उसके बाद जो चौहान्स आते हैं और वो तोमर्स को हरा देते हैं और चौहान दिल्ली पे शासक करते हैं, जैसे कि वो पृथ्वीराज चौहान जिनका नाम सुना होगा आपने. तो चौहान हैं जो उनका शासक रहा 1165 से लेकर के 1192 तक, यानी जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं तब जो है चौहान्स का जो शासक है ख़त्म होता है. और जो पृथ्वीराज चौहान हैं उन्होंने 1175 से लेकर 1192 तक शासन किया. नेक्स्ट है अर्ली तुर्किस रूलर्स, प्रारंभिक तुर्क के शासक. इन्होंने शासन किया 1206 टू 1290. इनमें फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 टू 1210 यानी सिर्फ 4 ईयर्स इन्होंने शासन किया. किन्होंने? कुतुबुद्दीन ऐबक. नेक्स्ट है शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इन्होंने शासन किया 1210 टू 1236 यानी इन्होंने काफ़ी ईयर्स तक शासन किया. 26 साल तक इन्होंने दिल्ली पे शासन किया था. नेक्स्ट है रजिया. रजिया जो कि एकमात्र वुमेन रूलर थी, तो इन्होंने 4 साल तक शासन किया. यानी इल्तुतमिश की बेटी थी ये, तो इनके बाद, इनके पिता के बाद यानी 1236 से लेकर के 1240 तक इन्होंने शासन किया. लेकिन कुछ जो नोबेल्स वगैरह थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और रजिया को मरवा दिया था. नेक्स्ट है गियासुद्दीन बलबन. जो गियासुद्दीन बलबन है इन्होंने 1266 से लेकर के 1287 तक दिल्ली में रूल किया. नेक्स्ट राजपूत डायनेस्टी. जो राजपूत, देखो स्टूडेंट, सबसे पहले थी राजपूत डायनेस्टी, उसके बाद है अर्ली तुर्किस रूलर्स, और फिर आते हैं खलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से लेकर 1320 तक दिल्ली में रूल किया इन्होंने. और जो खलजी डायनेस्टी है उसके अंतर्गत सबसे पहले आते हैं जलालुद्दीन खलजी. 1290 टू 1296 सिर्फ 6 साल शासन किया. किन्होंने? जलालुद्दीन खलजी ने. नेक्स्ट अलाउद्दीन खलजी, जो कि काफ़ी फेमस रहे हैं, इन्होंने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार भी किया है. अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से लेकर 1316 ईयर्स तक इन्होंने दिल्ली में रूल किया. फिर आते हैं तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 से लेकर के 1414 तक रहे हैं. गियासुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी में फर्स्ट कौन है? गियासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 टू 1324. फिर मोहम्मद तुगलक 1324 टू 1351. फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद तुगलक है इन्हीं को जो है पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था. फिरोज शाह तुगलक ये 1351 से 1388 तक इन्होंने रूल किया. फिर
जो है तुगलक डायनेस्टी के बाद आता है सैयद डायनेस्टी, जो कि 1440 से लेकर के 1451 तक दिल्ली में रूल किया इन्होंने। और खिज्र खां, सैयद डायनेस्टी का जो रूलर है अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है, खिज्र खां, और इन्होंने 1414 से लेकर 1421 ईयर तक दिल्ली में रूल किया। और सबसे लास्ट में है लोधी डायनेस्टी, जो लोधी डायनेस्टी ने 1451 से लेकर 1526 ईयर तक दिल्ली में रूल किया। बहलोल लोधी इनके जो है फर्स्ट रूलर थे, 1451 से लेकर 1489 ईयर्स तक इन्होंने दिल्ली में रूल किया। तो हमने इस लिस्ट को देखा, हमने देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज ने दिल्ली पर रूल किया। तो दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत, जैसा कि हमने पढ़ा है जो सबसे पहले जो दिल्ली है वो तोमर राजपूत के अंतर्गत आई। हु वर द डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो 12वीं शताब्दी है उसके मध्य में इनको हरा दिया था बाय द चौहान्स ने इनको हरा दिया था। इनको चौहान को चहमांस भी कहा जाता है, ऑफ अजमेर, जो कि अजमेर के हैं, ये राजस्थान में है जो। इट वाज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। ये तोमर और चौहान के रूल के अंतर्गत ही ये हुआ कि जो दिल्ली है वो एक कॉमर्शियल सेंटर यानी जो व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया। उससे पहले ये नहीं था, लेकिन इसने जो दिल्ली है वो कॉमर्शियल सेंटर कब बना, तोमर और चौहान्स के शासन के अंतर्गत। मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेंपल्स, और काफ़ी सारे जैन जो व्यापारी थे उन्होंने इस शहर में रहते थे वो, और उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए बनवाए काफ़ी सारे मंदिर बनवाए। कॉइन्स मिंटेड हियर, और सिक्के की जो तक्षशाला होती है वो भी बनवाई गई जहाँ पे सिक्के बनाए जाते थे। कोल्ड डेली वाल, और जो ये कॉइन्स होते थे तो उस टाइम इनको डेली वाल कहा जाता था। हैड अ वाइड सर्कुलेशन, जो कि काफ़ी एरिए में ये सिक्के चलते थे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इंटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली। जो फिर क्या हुआ बाद में, जो दिल्ली है वो कैपिटल के रूप में दिल्ली को बदला गया, जिससे कि ये काफ़ी एरिया में कंट्रोल करती थी सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी सारे क्षेत्र पर, जो दिल्ली का नियंत्रण हो चुका था और ये कैपिटल बन चुकी थी। स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और इससे ही जो दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी। इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी के प्रारंभ में, जब जो दिल्ली है दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी, उसी टाइम दिल्ली ने काफ़ी एरियाज पर नियंत्रण भी कर लिया था और ये कैपिटल भी बन चुकी थी। टेक अ लुक एट टेबल वन अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। हमने जो पढ़ा था अभी अभी 5 डायनेस्टीज के बारे में, तो जिन्होंने जो दिल्ली को दिल्ली सल्तनत बनाया। द दिल्ली सल्तनत, सॉरी, दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मैनी सिटीज इन द एरिया। जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने काफ़ी सारे शहर भी बनाए इस दिल्ली के एरिया में, दैट वी नाउ नो एज दिल्ली, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। लुक एट मैप 1 एंड लुक एट दिल्ली, एक कुहना सीरी एंड जन पनाह, ये जो सॉरी जहान पनाह, जो प्रारंभिक दिल्ली है उसको सीरी कहा जाता था। तो जो स्टार्टिंग में जो दिल्ली था वहाँ पे स्टार्टिंग में ये सीरी है, और यहाँ पे जहाँ पना और दिल्ली ए कुहना, ये जो फेमस प्लेसेस थे दिल्ली में। फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान्स, ऑल्दो इंस्क्रिप्शन कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एस्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, जैसे कि जो इंस्क्रिप्शन यानी जो लेख होते हैं यानी लिखित रिकॉर्ड, और सिक्के और आर्किटेक्चर यानी कलाएं, जो कलाकारी की गई थी, जो निर्माण कार्य थे, वो हमें प्रोवाइड करते हैं काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन। और मुख्य रूप से
जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हिस्ट्रीज, जो मतलब कि जो हिस्ट्री थी उस टाइम, तो वो तारीख तवारीख जो है, तारीख जो है एक जो हिस्ट्री का यानी सिंगुलर फॉर्म है, और तवारीख कहेंगे काफ़ी सारी जो हिस्ट्रीज के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको तवारीख कहा जाता था प्लूरल में, रिटन इन पर्सियन, जो कि पर्सियन लैंग्वेज में लिखे गए थे, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। पर्सियन जो कि दिल्ली सुल्तान्स के जो प्रशासन की मुख्य भाषा थी। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ तवारीख, वेल लर्न्ड मैन, जो तवारीख लिखने वाले ऑथर्स होते थे वो काफ़ी विद्वान होते थे, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट एंड कोर्टियर्स, और वो सेक्रेटरी होते थे राजा के, या एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रशासन में सलाहकार होते हैं, कवि हो सकते थे, या फिर कोर्टियर्स मीन्स जो राज दरबारी होते हैं, वो बहुत ही काउंटेड इवेंट्स जो जो कि है ना, जो साम्राज्य में जो घटनाएं होती थी उनको रिकाउंट करते थे, एंड एडवाइस यानी घटनाओं को लिखते थे, एंड एडवाइस रूलर्स ऑन गवर्नेंस, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, और वो रूलर्स को एडवाइस भी देते थे कि कैसे उनको शासन करना चाहिए, और जो जस्ट रूल का मतलब है जो न्याय न्यायपरद जो शासन है उसका क्या महत्व होता है वो भी वो समझाते थे राजा को, कि भाई राजा को न्याय को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इस तरह से वो जो किंग है उसको एम्फेसाइज भी करते थे। नेक्स्ट, डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। जो सर्कल ऑफ जस्टिस होता है वो क्या होता है, एक टर्म है जो क्या डिस्क्राइब करती है, राजा और उसकी प्रजा के बीच के संबंध को दर्शाता है सर्कल ऑफ जस्टिस। यहाँ पे हम इसके बारे में ही देख रहे हैं कि फकर ए मुदाबिर रोट इन द 13th century, इन्होंने फकर आ मुदाबिर ने लिखा था कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, जो राजा है वो सिपाहियों के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, एंड सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, वो सोल्जर जो सोल्जर्स हैं सिपाही हैं वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते, सैलरीज कम फ्रॉम द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, और जो सैलरीज होती हैं वो कहाँ से आएगी, रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम जो किसान होते हैं उनसे जो टैक्स इकट्ठा करते हैं वहाँ से सैलरी आएगी, बट पीजेंट्स कैन पे रिवेन्यू ओनली वेन दे आर प्रोस्पीरियस एंड हैप्पी, लेकिन जो किसान हैं वो सैलरी वो टैक्स तभी दे पाएंगे जब वो खुश और आत्मनिर्भर होते हैं, दिस हैपन्स वेन द किंग प्रोमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, तो इसके लिए यह तभी संभव है जब राजा जो है सही न्याय और अपनी ईमानदारी से शासन करेगा, तभी ऐसा संभव होगा कि किसान हैप्पी होंगे प्रोस्पर होंगे। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव इन सिटीज, और ये साथ में ये डिटेल भी अपने माइंड में हमें फिक्स कर लेनी है कि जो ऑथर्स होते थे तवारीख यानी जो हिस्ट्री के रिकॉर्ड लिखते थे, जो लेखक होते थे वो शहरों में रहते थे, मेनली दिल्ली में रहते थे, एंड हार्डली एवर इन विलेजेज, और गांव में तो मुश्किल से ही रहते थे, दे ओपन रोट द हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड, और वो जो सुल्तान के लिए जो हिस्ट्री लिखते थे उन्हें उम्मीद होती थी कि कुछ बहुत ज़्यादा इनाम उन्हें दिया जाएगा। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright. जो ये authors होते थे जो लेखक होते थे ये rulers को advice देते थे कि उन्हें एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरत है जो कि birthright पर आधारित है और gender distinction पर based है। Their ideas were not shared by everybody. और जो ऑथर होते थे वो अपने आइडिया है ना सबके साथ शेयर नहीं करते थे। अब हम यहाँ पे ये दो टर्म समझेंगे, बर्थ राइट क्या होता है और जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है बर्थ राइट, प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव दैट नोबल इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टेन फैमिलीज, मतलब कि जो जन्म से अधिकार का मतलब है कि जो जिस समुदाय में पैदा हुआ है, जैसे अगर वो नोबल में पैदा हुए हैं यानी रिच फैमिली में पैदा हुए हैं तो वो वही जो है आगे उनके जो बेटे हैं वही काम करेंगे, कहने का मतलब ये है जन्म के आधार पर काम दिया जाता था।
और जेंडर डिस्टिंक्शन मीन्स होता है सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, सामाजिक और यानी बायोलॉजिकल जैविक डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मैन, आदमी और औरत में जो डिफरेंस होता है फिजिकली या सोशली। यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन, और ये डिफरेंसेस इसलिए किए जाते थे कि जो वुमेन है उसको औरत की अपेक्षा सुपीरियर नहीं माना जाता था। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे जो बर्थ राइट का मतलब है, अगर राजा का बेटा जो है वही राजा बनेगा, आगे उसका बेटा राजा बनेगा, यानी जन्म के आधार पर जो है सोशल ऑर्डर। और जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब है कि लेडीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट डे इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी जो रजिया है वो सुल्तान बनी दिल्ली की। द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनहाज ए सिराज़ रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन ऑल हर ब्रदर्स। जो क्रॉनिकल कलर यानी जो इतिहासकार थे उस टाइम के, उनका नाम क्या है, मिनहाज ए सिराज, उन्होंने पहचान लिया था रजिया के क्वालिटीज़ को, रजिया के गुणों को पहचान लिया था कि वो योग्य है और क्वालिफाइड भी है अपने भाइयों की अपेक्षा, लेकिन फिर भी वो जो है कंफर्टेबल नहीं था, उसको क्वीन के रूप एक रूलर के रूप में क्वीन को एक्सेप्ट करने में वो खुश नहीं था। नो वर द नोबल्स हैप्पी, और जो नोबल्स थे उस टाइम के वो भी खुश नहीं थे एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली, कि वो आत्मनिर्भर होकर शासन करे। सी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, और 1240 में उसे जो सिंहासन से निकाल दिया गया था, यानी राजगद्दी से उतार दिया गया था। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम यहीं तक रीड करेंगे, नेक्स्ट पोर्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।